हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसे दिग्गज शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ जिसका शेयर बाजार में, जिसका अपने खुद के बिजनेस में मोनोपोली बिजनेस है और कोई दूसरा उस बिजनेस को करता ही नहीं है। और मैं उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी टाइम से। उस सही टाइम का इंतजार कर रहा था और मुझे लगता है कि आज की डेट में वो एक सही टाइम है कि उस पे वीडियो बनानी चाहिए और आपको अवेयर कराना चाहिए कुछ कॉन्स कुछ प्रोज। और बताना चाहता हूँ, ये जो शेयर है उसका CAGR 32% का है और जैसे जैसे अभी भी उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो इसका CAGR आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है और कोई उस बिजनेस को करता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CAGR मींस जो हमारा CAGR, मतलब अगर कोई भी शेयर 30% के CAGR से अगर बढ़ता है और अगर आप उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर, तो आपका जो ये पैसा है, ओके, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ होती है, तो ये आपका पैसा 100 करोड़ में तब्दील हो जाएगा। 10 लाख रुपए 100 करोड़ में 30 साल के अंदर अंदर अगर आपका पैसा, ओके, आप 30% के CAGR से बढ़ता है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है एज वेल एज इट इज़ सेड बाय रमेश दमानी सर जी, ओके, इनके द्वारा कहा भी गया है और आपने सुना भी होगा। तो ऐसा एक शेयर है और मुझे काफ़ी पसंद है ये शेयर, ओके। मैं भी वेट कर रहा था इस शेयर के इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, ओके। कुछ कॉन्स भी है वो भी हम बात करेंगे, तो आइए शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। शेयर्स कौन सा है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आज का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आप देख लीजिए, ये इसका जो 52 वीक लो है 774 रुपीज़ का था, 52 वीक हाई 1994 का था। फरवरी में पेंडामिक में आया तो मार्केट गिरा, ये शेयर गिरा, ओके, और स्टिल अभी भी लगभग 1500 के आसपास ये शेयर चल रहा है। 16% 17% की डिलीवरीज उठती हुई नज़र आई है, बट ये डिलीवरी और भी ज़्यादा हो सकती है और जस्ट बिकॉज ऑफ एक रीज़न की वजह से ये डिलीवरीज यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रही है, वरना इसमें लोग भर भर के इन्वेस्ट करते। आइए कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम जान लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए कंपनी के पास जो शेयर है, ओके, 87.40% है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि कंपनी कभी भी OFS ला सकती है और कभी भी OFS आया, ओके, तो जो हमेशा OFS डिस्काउंट पे लाया जाता है, तो शेयर प्राइस में आपको गिरावट नज़र आती है, जैसे कि और भी मैंने आपको दूसरी वीडियोस में बताया है। और जो गिरावट आती है तो शेयर गिरता हुआ नज़र आता है, बट ये शेयर वो शेयर है कि अगर गिरावट भी आई, जितनी भी गिरावट आएगी, ये शेयर अपनी पीक को हमेशा पकड़ेगा। जैसे इसका सारे बिजनेस, मतलब इसका एक बार ये पूरी रफ्तार के साथ भागने लग गया एनुअल, अगर और कुछ टाइम हुआ नहीं है, 1 साल भी आई थिंक कंपनी को हुआ नहीं है। आके देख लेते हैं, अभी हम देखिए 2 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर दिया है, ओके, 10 रुपये का डिविडेंड 2020 में ही 2 बार तो इसने डिविडेंड दे दिया है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। तो शेयर कौन सा है, शेयर का नाम मैं आपको बताता हूँ। शेयर का नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेट लिमिटेड, मतलब IRCTC, जिसके थ्रू आप टिकट बुक करते हैं इंडियन रेलवे की। तो देखिए आज के दिन में 200 रुपीज़ का यहाँ पर जंप दिखाई गया है, मतलब 14.51%, मतलब 15% की जंप दिखाई दे रही है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ओके, ईयर टिल डेट का देख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और इस शेयर को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2019 में 18 अक्टूबर को, मतलब 1 साल कंपनी को हुआ है। काफ़ी अच्छा इसमें आपको प्रीमियम भी मिला था, काफ़ी अच्छा यहाँ पर जब ये कंपनी लिस्ट हुई तब भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर तब से देखिए शेयर जैसे ही आया धूम मचा दी थी शेयर ने, और ये इस तरीके से बढ़ा था रफ्तार से, बट कोविड की वजह से नीचे गिरा क्योंकि बिजनेस ही बंद हो गए थे, ट्रैवलिंग सारी बंद हो गई थी। जैसे कि इस बिजनेस में देखिए ट्रैवलिंग आती है, ओके, कैटरिंग का बिजनेस आता है एज वेल एज टूरिज्म आता है, तो ये सब कुछ तो बंद ही है, इस वजह से ये शेयर गिर गया। बट फिर भी इस शेयर ने देखिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको लगभग दुगने रिटर्न्स तो आपको दिए ही है। और अभी जैसे ये रिज्यूम हो जाएगा तो देखिए 52 वीक हाई भी अगर देखेंगे 2000 रुपये के आसपास का है, तो इसे तो इजीली क्रॉस कर देगा। और जैसे सारे पूरी रफ्तार के साथ बिजनेस शुरू हुआ, इंडियन रेलवे शुरू हुआ, तो आपको ये शेयर इतनी तेज भागता हुआ नजर आएगा कि मुझे लगता है कि ये 5000 रुपये तक का टारगेट ये इजीली अचीव कर लेगा। तो ये तो हो गई इस बिजनेस से, बिजनेस को IRCTC के मुझे बताने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की डेट में भी ये भागा है, और भागा क्यों है उसके रीज़न, उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे रीज़न सिंपल है। जैसे कि PM मोदी साहब ने आज मीटिंग करी थी, तो मीटिंग में उन्होंने सिंपल बता दिया था कि
कि हम वैक्सीन ला रहे हैं, ओके, और वैक्सीन 1 करोड़ वैक्सीन पहले लाई जाएगी, और वो किसके लिए लाई जाएगी? वो लाई जाएगी सिंपली उन लोगों के लिए जो कि जैसे कि डॉक्टर्स हो गए हॉस्पिटलिटी में, और जिन्होंने हमारी मतलब फर्स्ट फेज़ पे जो बंदे आते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि कोविड में जिन्होंने हेल्प करी है मरीजों की सब कुछ देखने में, उन 1 करोड़ के लिए लाई जाएगा। फिर उसके साइड बाइज 2 करोड़ और वैक्सीन उन्होंने यहाँ पर लाई जाएगी। तो ये विद इन 1 और 2 मंथ में होने वाला है ये काम। तो इस वजह से इसी की होप में ये सब कुछ ये शेयर भागे, और यही IRCTC ही नहीं एज वेल एज स्पाइस जेट, इंडिगो जैसे शेयर भी भागे, ओके, क्योंकि ये दो तीन बिजनेस ऐसे हैं जो नहीं चले हैं। एक तो ट्रैवलिंग बिजनेस नहीं चला, एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी होटल्स एंड ऑल का बिजनेस नहीं चला है। पर जैसे ही रिज्यूम हो जाएगा, जैसे एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, तो ये शेयर भी भागना शुरू कर देगा। तो ये करेक्ट टाइम है। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि मैंने दिखाया था 87% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी ने बीच में अनाउंस भी किया था कि हम OFS ला रहे हैं, उन्होंने तैयारी भी करी थी, आई थिंक उन्होंने कुछ एडवाइजर्स को भी बुला लिया था। तो इस वजह से यहाँ पर लोग अभी कतरा रहे हैं यहाँ पर शेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि कभी भी OFS लाया तो ये शेयर डिस्काउंट पे आएगा, और डिस्काउंट पे आएगा तो नीचे गिरता हुआ हमें नज़र आएगा। फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करें, देखिए मार्केट कैपिटल 25,154 करोड़ रुपए का है, लार्ज कैप कंपनी है, ROC ही 62% का है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 44.1% का, मतलब काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ROC ही और ROE नज़र आ रहा है, मतलब आपको अभी इस लेवल पर भी, और जब ये अपनी फुल स्पीड पे होगा तभी आपको और भी ज़्यादा नज़र आएगा मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, CAGR जो मैंने आपको बताया लगभग 32.3% का CAGR है, ओके, 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखते हैं। और ROE की बात करें 3 ईयर से लगभग 33% का, कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 52.41% का। इसके अलावा सेल्स की बात कर लेता, देखिए सेल्स दिखा देता हूँ मैं आपको कंपनी के, देखिए पिछले मार्च के बाद जो क्वार्टर आए हैं, ओके, क्योंकि मार्च में भी इनका बिजनेस लगभग बंद हो गया था, तो मार्च जून सितंबर अभी तक हैम्पर हो रहा है इनका बिजनेस। बट अगर इस स्पीड में जो 2019 में 513 और जो दिसंबर 716 इस स्पीड में अगर बिजनेस आया तो थोड़ा बहुत मतलब लास्ट नेक्स्ट ईयर तक तो देखिए आ ही सकता है। और नेक्स्ट ईयर में जैसे ही सब कुछ ओपन हो जाएगा और बिजनेस इस लेवल पर आ जाएगा, और तो आपको शेयर भागते हुए नजर आएगा। एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ है, लॉस में देखिए अभी था, तो नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए लास्ट क्वार्टर में 25 लाख रुपये का लॉस था इन्हें, सॉरी 25 करोड़ का लॉस था, और अभी लेके 33 करोड़ रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। धीरे धीरे कंपनी भागना शुरू करेगी तो आपको प्रॉफिट भी होता नजर आएगा, और प्रॉफिट न होता हुआ नजर आएगा तो मतलब शेयर भागेगा, और शेयर भागेगा तो वैसी बात है आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर नजर आएगा, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट काफ़ी हैंडसम बैलेंस शीट है, मतलब रिजर्व्स की बात की जाए तो बढ़ते हुए 424 2015 मार्च में इतने करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि अभी मतलब विद इन 5 ईयर्स मतलब डबल से भी ज़्यादा, मतलब 1,177 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात की जाए तो बताया था डेट फ्री कंपनी है, तो किसी भी तरीके का बोरोइंग नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ओन कंपनी है, पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फॉरेन इन्वेस्टर भी देखिए 0.88% की हिस्सेदारी है, DIS और अभी बढ़ाई है उन्होंने थोड़ी बहुत, 0.11% की हिस्सेदारी यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है। DIS ने देखिए यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि शेयर कभी भी भाग सकता है। पब्लिक की बात करें तो देखिए पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर से देखिए कम कर दी, सितंबर में यहाँ कम कर दिया है, यहाँ पर देखिए फिर कम कर दिया। मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के देगी, डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स अच्छे है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है, और CAGR 30+ है, ROCE 62% है, तो आपको ऐसी कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से बिजनेस बंद था, बट धीरे धीरे रिज्यूम हो रहा है, जैसे बिजनेस फुल स्पीड में रिज्यूम होगा तो ये शेयर अलग ही आपकी दिशा में भागता हुआ नजर आएगा। तो आपसे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लीजिएगा, उससे पूछ लीजिएगा, एज वेल एज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे इस चैनल जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।